दोस्तों वर्तमान समय में यानी कि अगस्त 2022 में जिस वक्त हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त हमारे पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का होता है। मगर अगर आप भविष्य से इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके समय में पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होता है। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा हूँ, जैसे कोई बहुत बड़ी बात कह दी हो। वेल दोस्तों हमारी धरती का एक दिन 24 घंटे का होता है, यह तो एक जग जाहिर बात है। लेकिन फिर इसमें ऐसा हैरान कर देने वाला क्या है कि हम कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। वेल इसका कारण यह है कि हम जिस 24 घंटे के दिन को एंजॉय कर रहे हैं वो कुछ दिनों बाद 24 घंटों का रहेगा ही नहीं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अर्थ का रोटेशन जो कि रात और दिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हर साल की गति से अपने आप को कम ज्यादा कर रहा है, और ये बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। मगर यार वो रोटेशन स्पीड जिसमें सदियों से कोई खासा बदलाव देखने को नहीं मिला वो स्पेशली अभी ही क्यों तेज हो रही है? आखिर ये ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन है कि फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इससे डर कर ऐसा कह रही है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी नष्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि चाहे धरती का एक दिन 24 घंटे में खत्म हो या 23.5 घंटे में, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वेल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिलीव मी गाइस, आपने सोचा भी नहीं होगा कि धरती के दिन का सिर्फ एक सेकंड छोटा होना हमारे लिए कितना बड़ा चेंज ला सकता है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि आखिर धरती के रोटेशन के साथ ये क्या हो रहा है। अब दोस्तों वीडियो की शुरुआत में चलिए चलते हैं आज से 4 साल पहले, साल 2018 में, जब यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन ने यह बताया था कि हमारा चांद तकरीबन 2 बिलियन साल पहले से लगातार धरती से 0.75 से 1.5 इंच प्रति साल की गति से दूर जाता जा रहा है। दरअसल दोस्तों होता क्या था कि जब चांद हमारी धरती के ज्यादा पास था तो उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमारी धरती पर और डोमिनेंस के साथ देखा जा सकता था। और क्योंकि चंद्रमा हमारी धरती के रोटेशन के लिए काफी ज्यादा जिम्मेदार है, इसीलिए पहले जहां ज्यादा दबाव पड़ने के कारण हमारी धरती आज के मुकाबले बहुत जल्दी रोटेट किया करती थी, इसीलिए आज से अप्रॉक्स 1.4 बिलियन साल पहले के डेटा में यह देखा गया था कि उस वक्त धरती का एक दिन सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे का हुआ करता था। यानी कि अपने एक्सिस पर धरती 18 घंटों में एक रोटेशन को पूरा कर लिया करती थी। लेकिन फिर अंतरिक्ष ने अपना खेल दिखाया और चांद धीरे धीरे धरती से दूर जाने लगा, जिसके बाद आज सालाना तकरीबन 3.82 सेंटीमीटर्स की रेट से हमारा चांद पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। अब चूंकि दोस्तों हमारा चांद हमारी पृथ्वी से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, इस वजह से वो अपना प्रभाव उतने डोमिनेंस के साथ धरती पर नहीं दिखा पा रहा है। और यही कारण है कि जहां पहले अर्थ की रोटेशन सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे में खत्म हो जाया करती थी, वही आज 24 घंटे पर आ चुकी है। और 2018 की गई स्टडी के हिसाब से धरती पर हर साल रोटेशन की गति कम होती जा रही है और दिन धीरे धीरे लंबे होने लग रहे हैं। अब दोस्तों आप में से जो भी लोग पहली बार रोटेशन और ग्रेविटी को कॉस्मिक लेवल पर सुन रहे होंगे उन्हें तो शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। और कहीं ना कहीं यह दिक्कतें हम सभी को फेस करनी पड़ती है जब हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया में कदम रखते हैं। अब हमारे दिमाग में ऐसे बहुत से सवाल आते तो है पर हमें समझ नहीं आता कि उनका जवाब कहाँ से मिलेगा। और उन्हीं अनकहे दिमाग हिला देने वाले सवालों के जवाब जानने के लिए आप पढ़ सकते हो एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी बुक को, जिसे लिखा है नील डिग्रेस टाइसन ने, जो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने भी इस किताब से बहुत कुछ सीखा है। मगर मैंने यहाँ हार्डवर्क करके इस किताब को पढ़ने के बजाय स्मार्ट वर्क करके अपना टाइम और पैसे दोनों बचा लिए और इस बुक की बुक समरी सुनी कुकू FM ऐप पर। प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग के साथ कुकू FM इंडिया का अपना बनाया हुआ लीडिंग और सबसे एफिशिएंट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां पर आप हॉरर, रोमांस, सेल्फ हेल्प, स्पेस और ना जाने कितनी कैटेगरीज के ऑडियो बुक अपना काम करते करते भी सुन सकते हो। अब दोस्तों वैसे तो इनका सब्सक्रिप्शन ₹399 एक साल का होता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि कुकू FM हमारे व्यूवर्स को एक स्पेशल डिस्काउंट देता है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अगर आप कुकू FM को डाउनलोड करते हो और हमारा कूपन कोड ATV को यूज करते हो तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि पूरे साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ ₹199 में।
पर हाँ यार जल्दी करो क्योंकि ये ऑफर वैलिड है सिर्फ शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब दोस्तों साल 2018 से तो ये सभी डेटा सच माने जा रहे थे, लेकिन साल 2020 और साल 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, और वो ये कि धरती के दिनों को लगभग हर महीने ही तकरीबन 1 मिली सेकेंड छोटा पाया जाने लगा। अब दोस्तों जहां पुरानी रिपोर्ट्स में ऐसा देखा जा रहा था कि बहुत ही माइनर मिली सेकेंड के फासले में धरती की रोटेशन कम हो रही है, वहीं साल 2020 में 19 जुलाई के दिन 1.47 मिली सेकेंड छोटा दिन रिकॉर्ड किया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कोई भी फिनोमेना इसके पहले साल 1960 में घटा था, यानी कि ऑलमोस्ट 6 दशक पहले। मगर यार वैज्ञानिक तब हैरान हुए जब जुलाई एंड 2021 में भी दिन छोटा पाया गया, और 2022 में अभी 29 जुलाई को तो हद ही हो गई जब वो दिन टिपिकल 24 घंटे से सीधा 1.59 मिली सेकेंड छोटा निकला, और इसने महज 2 सालों के अंदर ही अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब दोस्तों अगर ऐसा कुछ एक तो दशकों में कभी होता तो इसे हम लोग इत्तेफाक मान सकते थे, लेकिन ये डेटा हर साल देखा जा रहा है, जिससे वैज्ञानिक कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर श्योर हो रहे हैं कि धरती की रोटेशन की स्पीड घटने की बजाय उल्टा बढ़ रही है। और सरप्राइजिंगली इस बार हमारे चांद का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। अब ये एक ऐसा सवाल था जो वैज्ञानिकों के लिए आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, क्योंकि ऐसे किसी चीज की उन्होंने कभी भी उम्मीद ही नहीं की थी। अब वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की यह ढूंढने की कि आखिर इस चीज को कौन ट्रिगर कर सकता है, लेकिन घंटों तक जुटे रहने के बावजूद आज भी उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता, और ऑफिशियली इसका कारण अभी भी अननोन है। अब इस मामले को सबसे बारीकी से रिपोर्ट करने वाली इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग ने अपने आर्टिकल में बताया कि कैसे साल 2020 में 28 छोटे दिन पाए गए थे, और फिर साल 2021 में भी ये कहानी रही, और 19 जून 29 जून 26 जुलाई और 29 जुलाई को भी ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड किया गया। और इसे कलेक्टिवली डिफाइन करने के लिए उन्होंने इसे 50-year फेज ऑफ शॉर्टर डेज का नाम दिया है। अब उनके डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से 2019 के बाद से अगले 50 सालों तक धरती का रोटेशन इसी स्पीड से कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करता रहेगा, क्योंकि रीडिंग्स यही बता रही है, और जैसे ही ये 50 सालों का वक्त खत्म होगा तो उसके बाद धरती वापस अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, जिसके बाद या तो हमारा दिन वापस से टिपिकल 24 घंटों का हो जाएगा या फिर उसमें आने वाली समय की कमी कॉन्स्टेंट रहेगी और चांद की मूवमेंट के साथ वो अलाइन करने की कोशिश करेंगी। नाउ यहाँ पर एक अंतरिक्ष फन फैक्ट आपके लिए कि जब हम लोग टिपिकल 24 घंटों की बात करते हैं तो हम लोग एग्जैक्ट 24 घंटों की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि धरती का एक रोटेशन एग्जैक्ट 23 घंटे 56 मिनट्स और 4.091 सेकंड्स का होता है, और इसी को लोगों के समझ पाने के लिए हम लोग 24 घंटों में डिफाइन कर देते हैं। अब इस बदलाव का कारण भले ही कोई नहीं जानता हो, लेकिन कॉस्मोस की स्टडी करने के बाद इतना तो कंफर्म हो गया था कि ऐसा कोई भी आउटर सोर्स नहीं है जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और वो है इंटरनल, यानी कि हमारी धरती पर मौजूद एजेंट के बारे में पता लगाने का। अब यार हमारी धरती के अंदर की गतिविधियों के बारे में किसी एस्ट्रोफिजिसिस्ट से ज्यादा ऑब्वियसली एक जियोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट को जानकारी होगी। अब इस बात का अंदाजा लेते हुए जब बढ़ रही इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में जियोलॉजिस्ट से उनकी राय ली गई तो उन्होंने कहा कि धरती के नीचे लगातार वाइब्रेशंस होती रहती है, इसके इनर कोर और आउटर कोर में कब क्या हो जाए उसकी किसी को भी भनक नहीं रहती, मगर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट और इनडायरेक्टली अर्थ के एक्सिस के लिए भी अर्थ के ये कोर्स काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इसीलिए इस कड़ी में पहली पॉसिबिलिटी तो यही हो सकती है कि कुछ रीसेंट ईयर्स में क्लाइमेट चेंजेस की वजह से अर्थ के लेयर्स पर एक डाइवर्स इफेक्ट पड़ रहा होगा, जिस वजह से इनस्टेबिलिटी के कारण इस तरह का एक्सेलरेशन हम आज नोटिस कर पा रहे हैं। वहीं इसका दूसरा कारण चैंडलर वॉबल भी एस्टिमेट किया जा रहा है, क्योंकि ये फिनोमेना भी पृथ्वी के एक्सिस को डायरेक्टली डेविएट कर सकता है। मगर पॉइंट यह है कि दिन का 1-2 मिलीसेकंड ऊपर नीचे होना भी हमारे लिए इतना खतरनाक क्यों है। अब दोस्तों आपको यहां जानकर हैरानी होगी कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि मेटा ने यह चेतावनी दी है कि खुदा ना खास्ता अगर हमारी टाइम क्लॉक्स में से धरती 1 सेकंड भी पीछे चली गई तो हमें अपनी टेक्नोलॉजीज को रीडिफाइन करना होगा।
अब दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दे कि दुनिया भर में ऐसे काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो अपने स्टैंडर्ड टाइम को सेकंड्स में इंटरप्रेट करते हुए ही आउटकम्स निकालते हैं। अब यहाँ तक कि जब इंटरनेट की फाउंडेशन हुई थी तब से वो भी एक क्लॉक के रूप में ही आज एक्टिवली वर्क कर रहा है, और आपके एक एक टैप से लेकर हर एक अपलोड तक सारी कंपनीज अपने डेटा को टाइम स्टैम्प के सीक्वेंस में ही रिकॉर्ड करती है। लेकिन अगर हमारे करंट टाइम्स में एक लीप सेकंड देखने को मिला तो कंप्यूटर्स उसको कंपाइल करने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, जिस वजह से ना जाने कितना कुशल डेटा करप्ट हो सकता है, क्योंकि फिर डेटा स्टोरेज के टाइम स्टैम्प्स सैटेलाइट और ग्लोबल टाइम्स के टाइम स्टैम्प से मैच नहीं करेंगे। और ज्यादा बेसिक्स में जाकर बताए तो एक कंप्यूटर क्लॉक 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड से 23 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड पर जंप करती है, और उसके बाद उसे कॉमन टाइम के हिसाब से नया दिन देकर 00000 से रीसेट करती है। लेकिन अगर इस एक सेकंड के लीप को इंटरप्रेट करने में कंप्यूटर्स ने गलती कर दी तो अंजाम इतना बुरा हो सकता है कि बात दुनिया भर के 90% इंटरनेट आउटेज तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन सारे कंप्यूटर्स को ठीक कर पाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आगे आने वाले समय में हमारी धरती हमें यह लीप सेकंड दिखाने वाली है या नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताएगा, लेकिन वर्तमान के डेटा हमें कुछ और ही राय बता रही है। अब आप इसको लेकर क्या राय बनाते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों आपको ये तो पता है कि हमारी पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे मंगल ग्रह का एक दिन कितना लंबा होता है? अगर पता है तो नीचे कमेंट्स में लिखो, देखते हैं किसने कितना सीखा है। और अगर नहीं पता तो अभी कभी अंतरिक्ष टीवी को सब्सक्राइब करो और जाके हमारे सारे वीडियोस देखो। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक ले बाय, जय हिंद।